पिछले लेसन में हमने जॉब स्टेन का कटिंग समझा था, आज के लेसन में हमें फुल स्टेन का कटिंग समझना है। तो यहाँ पर फुल स्टेन का जो ड्राफ्टिंग हमने समझाया इस प्रकार से रहेगा, जैसे यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस हाफ स्टेन में यहाँ पर ये 3 इंच ब्रॉडनेस और यहाँ पे 4 इंच था, तो यहाँ पर देखें तो ये फुल स्टेन में यहाँ गले की ब्रॉडनेस 3 इंच रहेगी और सामने यहाँ पर नीचे हमें 3.5 इंच तक का यहाँ पर मार्किंग करके कटिंग करना है इसका गला। और यहाँ का जो स्टेन भी है तो हाफ स्टेन में हमने यहाँ पर 1.5 इंच यहाँ पर गैप लिया था, तो फुल स्टेन में यहाँ पर 2 इंच का गैप रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें नेक राउंड का मेजर भी चाहिए, तो नेक राउंड का मेजर कैसे लेना है चलिए वो समझते हैं पहले। तो यहाँ पर समझिए, नेक राउंड यानी यहाँ पर जो नाप आया है 13.5 गले का पूरा नाप, जैसे ये जो नाप होता है ये पूरा फिक्स नाप हमें लेना होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूरा आगे से पीछे की ओर तक का ये जो नाप हमें लेना होता है, तो ये जो नाप होता है एकदम यहाँ पर फिक्स नाप होता है। तो ये जो फिक्स नाप होता है तो इससे 1 इंच से 1.5 इंच तक लूज बनता है, उतना ही हमें लूज बना सकते हैं। फिर जैसे 16-17 इतना लूज बनाएंगे तो गला ज़्यादा ही लूज हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर इसका जो मेजर है 13.5 इंच, तो 13.5 है तो 1 इंच लूज लगाएंगे तो 14.5 होएगा, और 1.5 इंच लूज लगाएंगे तो 15 इंच होएगा। तो 14.5 से 15 इंच तक का ये लूज चल सकता है। जैसे कि यहाँ पर अभी मान लो कि ये 14.5 लिया है तो यहाँ पर ये इतना लूज बनेगा, और 1.5 इंच लूजिंग लिया है तो 15 इंच में इतना लूज बनेगा। फिर उससे ज़्यादा आप जाओगे जैसे 16 और जैसे ये 17 इतना, तो गला एकदम यहाँ से लूज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको कभी भी फुल स्टेन या फिर ओवरलैप स्टेन बनाना हो, पोलोनेक बनाना हो, तो यहाँ पर आपको बॉडी मेजर का जो नेक राउंड है वो लेना आवश्यक है कोई भी किसी भी कस्टमर का, तो अच्छे से फिटिंग वहाँ पर बिठा सकते हैं आप। नेक राउंड लेने की वजह यह भी है कि जैसे 13.5 इंच इसका गले का नाप आया है तो यहाँ से ये 13 इंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 13 इंच देखिए अगर ये यहाँ पर टाइट हो जाएगा तो गले में बैठेगा ही नहीं, इससे लूज चल सकता है लेकिन उससे टाइट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर नेक राउंड लेना आवश्यक है। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से स्टिचिंग करना है तो फिर ये सब नाप की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो जैसे हमने नेक राउंड का मेजर समझाया उस हिसाब से यहाँ पर आपको उसका नाप लिख देना है, जैसे ये बॉडी मेजर है, और उसके बाद यहाँ से 1 to 1.50 इंच लूजिंग हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर जैसे 14.5 या तो फिर 15 इंच हमें रेडी चाहिए, उससे ज़्यादा लूज नहीं चाहिए, और 13.5 जो नाप है उसे टाइट नहीं चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर आपको लिख के सेव कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ का हम ब्रॉडनेस से समझते हैं। तो जैसे गले का जो ब्रॉडनेस है तो वो तो जैसे हमने समझाया कि यहाँ पर नेक ब्रॉडनेस जो बॉडी मेजर अपर चेस्ट का जो नाप रहता है उसका हमें 12वां हिस्सा करना रहता है। कोई भी आपका नाप हो उसका 12वां हिस्सा करें, चाहे आपका 36 नाप हो तो उसका 12वां हिस्सा 3 इंच आएगा, 40 हो तो उसका 12वां हिस्सा करके उसका जो ब्रॉडनेस का नाप आए उसी हिसाब से यहाँ पर ब्रॉडनेस का नाप लेना। ध्यान रखना है कि अपर चेस्ट का ही मेजर ले, मेन चेस्ट का मेजर इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी, उसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ का ब्रॉडनेस जैसे हमारा 3 इंच आया है, तो जैसे यहाँ पर हमने समझाया है कि यहाँ पर सीधे से 3.5 इंच लेना है, तो यहाँ पर जो कटिंग किया है हमने वहाँ से हमें ये 3.5 इंच का नाप लेना है। अब यहाँ पर हमें स्टेन नेक का राउंड लेना है, जो हमने स्केल में बताया है उस हिसाब से यहाँ पर इसका राउंड हमें चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर पहले आपको 0.5 इंच का एक मार्कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर समझाया कि फुल स्टेन में हमें तो सिर्फ यहाँ से बीच में कट ही चाहिए, बस उतना ही हमें फुल स्टेन बनाना रहता है। हाफ स्टेन में जैसे हमने गला बनाया था तो यहाँ फुल स्टेन में वो गला नहीं आएगा, यहाँ पर बीच में जो कट आएगा ऐसा पाइपिंग या पोटली आप कोई भी पैटर्न दे सकते हैं, तब हमें इस प्रकार से कटिंग करना रहता है, उसका आपको ध्यान रखना है। अब हमें जहाँ तक का गला चाहिए, जैसे यहाँ पर इसका जो गला 7.5 है तो यहाँ पर हम 8 इंच का गला ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे हुक रखना है तो यहाँ पर और नीचे तक आपको जितना कमर तक कट रख सकते हैं, और जितना नीचे आपको हुक चाहिए उतना आपको कट कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर कट लगाया है तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये गला हमें पलटी कर लेना है, और बैक साइड में जैसे हमने यहाँ पर बैक का जो ड्राफ्टिंग में समझाया उस हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर हमने ये गला पलटी कर दिया है और पाइपिंग भी लगा दिया है। तो यहाँ पर पाइपिंग लगाने के बाद सोल्डर भी ज्वाइंट कर दिया है। अब जैसे ये पाइपिंग लगाया है तो यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है कि जब भी पाइपिंग पलटी करना हो तब यहाँ पर जब हम गला पलटी करते हैं तब हमें यहाँ पर स्क्वायर पलटी करना रहता है ताकि दोनों पाइपिंग एक की जैसा अंदर की तरफ यहाँ पर बैठ जाए। द्वारा जो हमारा फाइनल नाप है और ये हमारा टेम्पररी मार्क है, तो जो फाइनल नाप है यहाँ से हमें 2 इंच का गैप लेना है। अब यहाँ पर जो सोल्डर का जॉइंट है वो हमें मिला देना है दोनों एक साथ। अब यहाँ पर जो टेम्पररी मार्क है उसके ऊपर रख देना है। अब यहाँ पर नीचे की ओर देखें तो जहाँ पर ये हमारी जो सिलाई है वहाँ पर ये जो जॉइंट है वहीं पर हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सोल्डर का ये जो जॉइंट है वहाँ पर हमें निशान कर देना है। अब यहीं से ही हमें हमारा जो ये गला है यहाँ पर इसमें जो 0.25 जो जितना हमारा जो दबाव जाएगा स्टिच लाइन है वही हमें ये मार्क से मिलाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको हाथ से पकड़ के रखना है और यहाँ पर दूसरी उंगली से यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए। अब जैसे हमने समझाया यहाँ पर जैसे ये सीधा जा रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर हमें इसको सीधा करना है। जैसे ये ड्राफ्टिंग में समझाया है उसी हिसाब से जैसे यहाँ पर सीधा जा रहा है वैसे यहाँ पर नाप होगा। अब यहाँ पर एक टेम्पररी कच्चा मार्क कर दीजिए। अब यहाँ हमारा जो नाप है ये वाला है तो हमें यही नाप हमें यहाँ पर मिलाना है। तो ये जो कच्चा नाप है उससे यहाँ पर आपको ये मार्क कर देना है। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर बना है तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो नेक राउंड है बॉडी मेजर उससे जो 1 से 1.5 इंच जो लूज बना है वो नाप हमें चेक करना है कि 14.5 या 15 इंच वही हमें आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए या फिर 13.5 से कम नहीं आना चाहिए, तो वो कैसे नापना है। तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर यह जो ऊपर वाली गोलाई है वही नापना होता है, हमें नीचे वाली गोलाई से कोई मतलब नहीं होता। नीचे वाली गोलाई कभी नहीं नापना होता है क्योंकि नीचे वाली गोलाई तो इसके आधार पर अपने आप आ जाती है। इसलिए यहाँ पर गले में तो यही ऊपर वाला शेप ही बैठता है अच्छी तरह से, तो हमें वही चेक करना रहता है। तो उसको यहाँ से पहले आप चेक करना शुरू करें। तो ये जो 15 इंच आ गया तो यही हमारा ये फाइनल नाप बन गया। 15 इंच से अगर ज़्यादा आया होता तो क्या करना चाहिए, अगर 15 इंच से ज़्यादा आ गया होता तो फिर आपको यह जो गोलाई है ये 2 इंच की जगह और ऊपर ले जाना पड़ता है। क्यों, वो प्रॉब्लम तभी आएगा जब आपने यहाँ पर इसका जो गला है वो अगर ज़्यादा डीप काट दिया हो तभी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा तो जो नाप है वो 15 इंच एकदम सही नाप है यहाँ पर, इसलिए अब हमें यहाँ पर इसको गोलाई करना है या चौरस करना है वो हमारे ऊपर है। तो यहाँ पर हम गोलाई करेंगे। यहाँ कर बाकी का सभी मेथड जैसे हमने हाफ स्टैंड में बनाया सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ये जो है हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसा पॉइंट निकलता है बाहर की ओर आ जाएगा जैसे इस तरह से यहाँ जैसे कोना निकल जाएगा उसी हिसाब से आप बिठाओगे तो वो बैठेगा नहीं। दोनों तरफ आपको सही तरह से यहाँ पर मिलाना रहेगा, नहीं तो अगर कोना निकलेगा तो अच्छी तरह से गले में बैठेगा नहीं।
अब यहाँ पर उल्टे से आपको सिलाई चालू करना है। यहाँ पर शोल्डर का जो जॉइंट है वो हमें आगे की तरफ रखना है और यहाँ से 0.25 इंच का सिलाई से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर इसकी जो सिलाई है और यहाँ पर कैनवास की धार की सिलाई, ये दोनों यहाँ पे मैच होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसका जो सेंटर मार्क है पीछे का और ये कैनवास का सेंटर मार्क है वो यहाँ पर आपको हमेशा मिलाना रहेगा। अगर यहाँ पर स्टैंड बिठाने में आपको दिक्कत रहती है तो फिर यहाँ पर आप सेंटर मार्क मिलाकर पहले यहाँ पर पिन लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा जो गले का नाप था वो एकदम यहाँ पर टच टू टच यहाँ पर बैठ गया है, एकदम फिक्स फिक्स यहाँ पर बैठता है। इससे टाइट नहीं होता है, इससे ज़्यादा ढीला नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पर राउंड ज़्यादा नहीं काटते तो क्या होता है कि यहाँ पर एकदम ये खुला रहता है। अगर आपने सीधा स्टैंड काट कर बिठाया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हम समझा रहे उस हिसाब से यहाँ पर फुलाना आएगा, यहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर खुला बैठेगा, इस तरह से वो अच्छा लुक नहीं आता, ये एकदम प्रोफेशनल लुक आता है।